हाय पाइसेस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। सो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है फॉर ऑल द पाइसेस, यानी कि मीन राशि के सभी लोगों के लिए। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपका जून मंथ का 20 से लेकर 26 तक ये जो डेट है उसका जो वीक है वो कैसा आपके साथ जाने वाला है। रीडिंग के लिए हम टैरो से जानने वाले हैं कि आपके लिए क्या कैसा रहेगा वीक, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस डेक हम जानने वाले हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। एंड फ्रॉम द एंजल्स डेक हम ये जानने वाले हैं कि अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर्स क्या है फ्रॉम द एंजल्स, राइट। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ बातें आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। सो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने पास रखिएगा और जो आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें किसी और के लिए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस हैं तो आपके लिए वो वाला मैसेज ना हो। मैंने भी कार्ड सारे जो हैं साइड कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। तो टैरो जो है हमने पहले से ही सारे जो कार्ड्स हैं वो शफल कर रखे हैं, बट एक बार और कैमरा के सामने आपके लिए शफल करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। विल सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। हम यहाँ पर फाइव कार्ड्स लेने वाले हैं आपके लिए, 2, 3, 4 and 5। ग्रेट, सारे पहले हम जो है आपके कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं, देन विल सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस। देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, नेचुरल है, हम रोक नहीं सकते, राइट। सो यस, थैंक यू। मेरे को ये वाला कार्ड लेना है, विल सी। कि कौन सा कार्ड आया है, इनको भी हम थोड़ा सा साइड करेंगे। एंड फ्रॉम द एंजल्स डेक हम ये जानने वाले कि जो कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। सो लेट मी शफल इट फर्स्ट। थैंक यू, ये कार्ड हम लेंगे, थैंक यू। सो इन दोनों कार्ड्स को अभी हम रखते हैं साइड और आपके देखते हैं टैरो से कि हमें क्या देखने को मिलता है वन बाय वन। द फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक फील करने वाले हैं आप। एट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, एट नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है इस वीक। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, हार्ड वर्क के बाद सक्सेस होती ही होती है। टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल आपका जो वीक है करियर एंड फैमिली के लिए होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं इस वीक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स आया तो आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हो, वेदर आपका कोई जॉब का पंगा हो, है ना, रिलेशनशिप हो, फैमिली में कुछ इशू हो, आप बहुत स्टक फील करने वाले हैं। बट जब आप उसके ऊपर सोचोगे, सोच विचार करोगे तो आप देखना आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कैंडल हीलिंग, फुल मून, न्यू मून, 27 को न्यू मून है, सो आप न्यू मून रिचुअल्स कर सकते हैं, आपको बहुत लाइट फील होने वाला है इस वीक। आपके लिए इस वीक जो है ना, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं। सक्सेस, जो काम आप बहुत टाइम से चाह रहे थे ना, वो काम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना हेयर कलर करवाना चाह रहे हैं, मतलब एकदम से आया, मैंने तो बोल दिया हेयर कलर, हेयर एक्सटेंशन, हेयर कैरेटीन, स्मूथनिंग, जो कुछ भी आप करवाना चाह रहे हैं, समथिंग विद योर हेयर, हेयर नाइस हेयर कट भी हो सकता है वो, तो समथिंग विद योर हेयर्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मिड ऑफ़ द वीक आप देखेंगे कि आपको आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप एक चीज़ होती है ना, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना। अभी आप स्टक हैं सिचुएशन में और उस सिचुएशन से स्ट्रगल करते हुए, चैलेंजेस को लेते हुए लाइक अ हीरो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे एंड आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी। वेरी वेल डन पाइसीज, वेरी वेल डन, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। थ्री नंबर भी पैशन का नंबर होता है मेरे लिए, और यहाँ पर जिस तरीके से फायर है वो बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट कर रही है। सो
डू रिचुअल्स, आपके लिए रिचुअल्स करना बहुत अच्छा रह सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल डेक से हमको क्या आंसर मिलता है। जो कोई भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए हमें क्या आंसर मिलता है। सो द आंसर इज़ अबंडेंस। और मैंने आपको बोला कि मेहनत के बाद सक्सेस है ही, सक्सेस का दूसरा नाम अबंडेंस। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे में अबंडेंस नहीं है, अबंडेंस इन लव, प्यार में अबंडेंस का होना है ना, अबंडेंस इन मनी, मनी में अबंडेंस होना, हेल्थ के अंदर अबंडेंस होना, इन सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट सी कि आपके लिए हमें क्या गाइडेंस मिलती है फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस डेक। सो हमारे पास है चंद्र, और मैंने लिटरली कसम से मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे आपके लिए। मैंने यहाँ पर बोला था कि न्यू मून, समथिंग विद मून आपको यहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी, चंद्र, चंद्र क्या है, चंद्र देवता होते हैं और उनका प्लैनेट कौन सा होता है, मून। वाओ वाओ द मून। एंड एज बींग अ टैरो रीडर आपके लिए सबसे अच्छी क्या बात हो सकती है कि जो आपकी इंट्यूशंस कहती हैं वो कार्ड्स आपके लिंक होने लग जाएं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ द ब्लड, आपके ब्लड की प्योरीफिकेशन होने वाली है। नरिशमेंट आपको मिल सकती है, यू नो आप एंजाइटी से फ्री हो सकते हो, और अगर किसी तरीके की आप प्रॉब्लम में थे तो उससे बाहर निकल सकते हो, जैसे कि यू नो इलनेस, स्टक हो किसी चीज़ में, तो यस आपको ना अपने पितरों के, अपने दादा जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनके ना सपने आ सकते हैं। सो उन सपनों के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग, और न्यू मून के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से कर दीजिए। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे यू नो अमावस को और फुल मून को, यानी कि पूर्णिमा को। सो यस, ये कुछ था पाइसेस आपकी आज की इस रीडिंग के लिए, इस वीक की रीडिंग के लिए। आपको ऐसी ही और न्यू वीडियोस देखनी है तो आपको उसके लिए भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।